गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने गृह जिले दतिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर आम लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान दतिया के व्यापारियों ने नरोत्तम मिश्रा का शहर के विकास के लिए आभार व्यक्त किया। दतिया दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का उनके निवास पर लोगों ने जमकर स्वागत किया। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें दतिया शहर के विकास को लेकर चर्चा की गई। व्यापारियों ने नरोत्तम मिश्रा का शहर में हो रहे विकास को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया और उनका फूल माला श्रीफल शॉल से सम्मान किया। इस दौरान सहारा इंडिया में लोगों के रुके हुए रुपयों को लेकर सहारा इंडिया के एजेंट और कस्टमरों ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है और मदद करने की बात कही है। मौके पर ही पेंशनर एसोसिएशन संघ के पदाधिकारियों ने भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी का देश के प्रति भाव समर्पित है। उनका अपना कोई परिवार नहीं है, वे देश के लिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए जनता बड़ी से बड़ी बातों को दरकिनार कर देती है। उन्होंने कहा, काम के प्रति अपना भाव पवित्र होना चाहिए। मोदी जी काम जब करते हैं तो प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि अगर होती भी होगी तो देश का नागरिक जानता है कि इस वक्त का व्यक्ति का भाव पवित्र है, ये देश के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसका अपना परिवार है ही नहीं, कोई नहीं। वो जो कुछ काम कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है, इसलिए बड़ी से बड़ी गलती लोग माफ करके उसके साथ खड़े रहते हैं। एक ही कारण रहता है कि भाव पवित्र है। ठीक है, दिक्कत आ रही है ना, आ रही होगी, तो वो निश्चित ठीक सोचना होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।